तो बच्चों, जैसे कि मुझे आपको बताना था कि समांगी मिश्रण और आक्रियाशील का मतलब क्या होता है ना। हमको समझना है कि हमारा जो विलयन होगा उसका समांगी होना बहुत अनिवार्य है, और कैसा होना चाहिए बच्चों, उसको आक्रियाशील होना चाहिए। तो इसकी मीनिंग को समझने के लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, आप उसके बारे में समझिए। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ कि अगर कोई पदार्थ क्रियाशील होगा तो हम कैसे पहचानेंगे उसको कि वो क्रियाशील है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जब मैं सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिकृत करता हूँ तो इनकी आपसी क्रिया से बन जाएगा क्या बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड बना ये नमक है, ठीक। अब इस नमक रूपी सोडियम क्लोराइड में जब आप सोडियम का परीक्षण करोगे और क्लोरीन का परीक्षण करोगे तो ये दोनों आपको अपने टेस्ट जो है वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये हमारे कंटेंट सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन जो होगा वो अनुपस्थित होगा। वहां पर बेसिकली केवल सोडियम क्लोराइड नाम का, नमक नाम का एक पदार्थ होगा, क्योंकि यहां पर इनके बीच में क्या होगी बच्चों, क्रिया होगी, यहां पर एक अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक है। जबकि आक्रियाशील की अगर हम मीनिंग समझें तो आक्रियाशील का मतलब होता है अगर मैंने शक्कर को पानी में घोला है, तो शक्कर और पानी को घोला है तो शक्कर और पानी का क्या तैयार किया है, मिश्रण। तो उस मिश्रण रूपी शरबत में आप देखेंगे शक्कर का परीक्षण भी आपको मिलेगा और उसमें पानी का परीक्षण भी आपको मिलेगा, मतलब दोनों के कंटेंट जो होंगे वो यहां पर मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि शक्कर को जब आपने पानी में मिक्स किया है तो उसके मिश्रण में हमको जो शरबत रूपी मिश्रण प्राप्त हो रहा है, उस मिश्रण में दरअसल जो हम कह दें कि हमारा जो मिश्रण है वो कैसा है बच्चों, वो आक्रियाशील है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया है। हम चलेंगे बच्चों यहां पर आपने इसी टॉपिक के अगले भाग पर, और उसको देखिए आप लोग। अच्छा, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ध्यान से देखिए, विलयन का निर्माण करने वाले पदार्थ। इसको बहुत अच्छे से समझिए, विलयन का निर्माण करने वाले पदार्थ। बच्चों ध्यान रखना है, विलयन का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं हम उनको वैज्ञानिक भाषा में हम उनको कहते हैं घटक, ठीक है, या हम उनको कह सकते हैं घटक पदार्थ। संभवतः बच्चों घटक बोल देना ही पर्याप्त है, लेकिन शाब्दिक वैज्ञानिक जो भाषा है वो घटक पदार्थ के नाम से भी प्रचलित है। अब जबकि हमने ये जाना कि हमारा जो विलयन है उसका निर्माण घटक पदार्थों से होता है, तो आप समझ लीजिए हमारे पास घटकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, दो। हमारे पास बच्चों दो घटक मौजूद हैं, ठीक। उन दो घटकों में सबसे पहला जो घटक है बेटा वो होता है विलेय, विलेय पदार्थ, और जो दूसरा घटक होता है बच्चों वो होता है विलायक पदार्थ। तो हमारे पास ये दो प्रकार के घटक होते हैं और इन दो घटकों से किसका निर्माण होता है बच्चों, विलयन का निर्माण होता है, यानी विलयन का निर्माण विलेय और विलायक से होता है। विलेय और विलायक को हम संयुक्त रूप से घटक के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब इस कड़ी में हम आगे चलेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे विलेय पदार्थ के बारे में, विलेय क्या होता है। तो बहुत अच्छे से समझिए विलेय क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं विलयन का वह भाग जो, विलयन का वह भाग जो कैसा होता है बेटा, कम मात्रा में पाया
जाता है। यहां पे समझना, कम मात्रा में पाया जाता है, कहां पर कम मात्रा में पाया जाता है? विलयन में, ठीक है ना, मतलब वो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, हम ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक, पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त है बच्चों इसकी कि इसमें अन्य पदार्थ में घुलने या मिक्स हो जाने की क्षमता क्षमता होती है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना है इन सारी बातों को, और एक बार वापस समझिए ध्यान से। मैंने कहा हमारे विलयन का जो निर्माण है वो घटक पदार्थों से होता है। विलयन में बच्चों दो प्रकार के घटक मौजूद हैं, पहला घटक है विलेय और दूसरा घटक है विलायक। मैंने आपको बताया विलेय क्या होता है, तो बच्चों मैंने आपको कहा कि विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में विलयन में पाया जाता है, और दूसरी इसकी जो गुण है, इसका जो क्वालिटी, वो ये है कि यह अन्य पदार्थ में घुलने या मिक्स होने की क्षमता रखता है। तो विलयन के ऐसे भाग को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? हम इसको विलेय के रूप में जानते हैं। एक उदाहरण अगर मैं आपके सामने रखूं तो उदाहरण पर आप लोग गौर करिए और ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, हमने क्या किया, हमने शक्कर को क्या किया बच्चों, पानी के साथ मिक्स किया ना, जल में, ठीक है, और हमने तैयार किया एक मिश्रण शरबत के रूप में, हमने मिश्रण तैयार किया शरबत के रूप में। ये जो मिश्रण हमने तैयार किया, इस मिश्रण में हमारी जो शक्कर है, तो ये शक्कर में ये दोनों गुण मौजूद हैं बच्चों। कौन से दोनों गुण? कि जो शक्कर होगी वो कम मात्रा में होगी, और शक्कर जो है उसमें घुलनशीलता का गुण होता है, मिक्स होने का गुण होता है, वो पानी में घुलनशील होती है या वो पानी में मिक्स हो जाती है। ठीक है, समझ में आया इतना बच्चों? इस टॉपिक में विलयन के निर्माण में हमने घटक की बात की थी, मैंने आपको विलेय डिफाइन किया। अगला जो हमारा इसमें पार्ट है वो है विलायक, तो हम विलायक पदार्थ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, तो समझेंगे विलायक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम चलते हैं बच्चों अपने दूसरे टॉपिक पर। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है विलायक। विलायक, तो बच्चों समझने की कोशिश करेंगे विलायक क्या होता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। विलयन का वह भाग जो जो कैसा हो बच्चों, अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में विलयन में पाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। हमने यहां पर पहली शर्त रखी है कि विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में विलयन में पाया जाता है। दूसरी शर्त है अन्य पदार्थों को अपने में, ये अन्य पदार्थों को अपने में क्या कर लेता है बेटा, यस, ये अन्य पदार्थों को अपने में घोल लेता है या मिक्स कर लेता है। ठीक है, ठीक है, मिक्स कर लेता है, मिक्स कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को हम विलायक के रूप में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वही एग्जांपल मैं वापस लूंगा बच्चों। मैंने आपको बताया था कि शक्कर को हमने पानी के साथ क्या किया, मिक्स किया, हमने मिश्रण तैयार किया, हमने मिश्रण तैयार किया। हमारे इस मिश्रण में जो पानी है बच्चों वो
अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, विलयन बनाते समय अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। और इसका गुण है कि ये शक्कर को क्या करता है, ये शक्कर को अपने में मिक्स कर लेता है, घोल लेता है, ठीक है, घोलता है। इसलिए यहां पर जो हमारा पानी है वो क्या कहलाएगा, वो विलायक कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। विलयन जब हमने समझ लिया तो हम इस टॉपिक को अब इससे आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, अब जैसे कि आपने समझा, हमने सबसे पहले आपसे विलयन की बात की, मैंने आपको बताया विलयन क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि दो या दो से अधिक समांगी एवं आक्रियाशील पदार्थ के मिश्रण को हमने क्या कहा, यस, हमने विलयन कहा, ठीक है। हमने शक्कर में पानी को मिलाया, ठीक है, या पानी में शक्कर को मिलाया तो एक मिश्रण तैयार किया, विलयन है। हमने शक्कर पानी के मिश्रण में नींबू की कुछ बूंदें डाल दी, विलयन है। हमने शक्कर पानी, ठीक है, नींबू की बूंद के साथ गुलाब जल की कुछ मात्रा डाल दी, विलयन है, ठीक। हमने ये देखा कि विलयन का निर्माण जिन पदार्थों से होता है उसको हम घटक कहते हैं। हमने दो प्रकार के घटकों का अध्ययन किया, हमने विलेय के बारे में जाना, हमने विलायक के बारे में जाना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमने विलेय को समझा, हमने समझा कि विलेय क्या होते हैं, तो हमने आपसे बताया कि विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, जिसमें अन्य पदार्थ में मिक्स होने का गुण होता है, विलेय कहलाता है। शक्कर और जल के मिश्रण में शक्कर कम मात्रा में होती है, शक्कर पानी में घुलती है, इसलिए शक्कर को हमने विलेय कहा। जबकि हमने विलायक की बात की तो हमने बच्चों आपको ये बताया कि विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जैसे कि जल हम अधिक मात्रा में प्रयोग करें, शक्कर को अपने में घोल लेता है, तो वो विलायक है। बच्चों इस पूरी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये जानना है कि वास्तव में विलयन तो हमको समझ में आ गया, अब हमको विलयन के प्रकार के संदर्भ में समझना है कि विलयन के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो हम अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे विलयन के प्रकार के लिए। विलयन के प्रकार, बच्चों ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, विलयन के प्रकार। इस प्रश्न का उत्तर है ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है विलयन के प्रकार को डिफाइन करना, क्योंकि ये प्रश्न ही अभी अपने आप में इनकम्प्लीट है और अधूरा है, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए यहां पर विलयन के प्रकार को समझने के लिए मैं आपको विलयन का क्या बता देता हूं, विलयन का वर्गीकरण। विलयन के प्रकार को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण बच्चों हम कई अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ये वर्गीकरण आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हमको समझना है विलयन के प्रकार को तो इसका सबसे पहला तरीका होता है विलेय या विलायक की भौतिक अवस्था, विलेय या विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक। विलयन के प्रकार ये सबसे पहला तरीका होगा। इस कड़ी का जो दूसरा तरीका होता है बच्चों वो ये होता है घटक, ठीक है, ये दूसरा है घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर, ठीक, घटक पदार्थ की संख्या के आधार पर। इसका जो तीसरा तरीका होता है बच्चों घटक पदार्थ की संख्या के आधार पर, और इसका जो तीसरा तरीका है वो है राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम के
आधार पर। इसी कड़ी में बच्चों जो अगला तरीका है वो है विलेय और विलायक। के कणों के आकार के आधार पर। यहां पर महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तरीके और भी हैं, जैसे कि एक और भी मेंशन कर रहा हूं आपके सामने और वो है, ठीक, अभी मैंने जितने रखे एक बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विलेय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, घटक पदार्थ की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेय और विलायक की कणों के आकार के आधार पर, ठीक है, विलयन के प्रकार, राउड के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। बच्चों इस कड़ी में नेक्स्ट है हमारे पास परासरण, परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगला है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो ये सारे हमारे जो तरीके हैं ये विलयन का क्लासिफिकेशन है। अब एक एक करके हम इनको अपनी अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है।